हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। आज फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाला हूँ सर्वाइकल कैंसर, कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कॉजेस क्या होते हैं इसके, फ्रेंड्स इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इसका नाम सुना होगा, आज के टाइम पे काफी ज्यादा मतलब सर्वाइकल कैंसर के केस बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं, इंडिया में फीमेल्स में होने वाला सबसे आम टाइप का कैंसर माना जाता है जो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का जो बचाव है और ट्रीटमेंट दोनों हो सकता है, लेकिन क्या है इसके प्रति फीमेल्स जो महिलाएं हैं उनमें जागरूकता का कम होना, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जानकारी ना होना, जिसकी वजह से क्या है सर्वाइकल कैंसर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स को सही समय पर अगर जानकारी नहीं मिल पाती है तो फ्रेंड्स इसका जो ट्रीटमेंट है, इलाज करना है, वो काफी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इंडिया के अंदर आज डेट में केस की बात करूं तो लगभग इसकी जो है बहुत ही ज्यादा मतलब पॉजिटिव केस आते जा रहे हैं, और वो यही कारण है कि फीमेल्स को पता नहीं होता, उसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही सब चीजें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आखिर तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। किसी भी कैंसर में आपके शरीर की जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल रूप से, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। कैंसर को हमेशा शरीर के उस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है जहां से वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और उसको उसी नाम से उसको कैंसर बोलते हैं कि ये इस जगह का कैंसर है, ठीक है। इसलिए अब कैंसर आपके अगर इसमें सर्वाइक्स में है तो इसको सर्वाइकल कैंसर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ओवरी में है तो ओवरी कैंसर बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जहां पे हमें कैंसर हुआ है उसी जगह के नाम को ही हम उसी टाइप का कैंसर बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स की सर्वाइकल कैंसर या जो है ये यूट्रस से नीचे के भाग का एक मतलब काफी ज्यादा घातक ट्यूमर होता है, जो जो हमारा सर्विक्स है, सर्विक्स के निचले भाग से स्टार्ट होता है और ऊपरी वेजाइना तक ये जुड़ता है, जिसे सर्विक्स कहते हैं। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर जो है फ्रेंड्स ये ह्यूमन पैपिलो वायरस, जिसे शॉर्ट्स में HPV भी बोला जाता है, इसके इंफेक्शन के कारण होता है। यानी कि ये याद रखिए कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये ज्यादातर HPV यानी ह्यूमन पैपिलो वायरस के कारण होने की ज्यादा चांसेस के रहते हैं। ह्यूमन पैपिलो वायरस एक टाइप का एक ग्रुप होता है, मतलब ये एक जो वायरस है ये काफी ज्यादा वायरस होते हैं, इसका एक ग्रुप होता है जिसके अंदर लगभग 100 से भी ज्यादा टाइप्स होते हैं, ठीक है। और सभी एक प्रकार के लैंगिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें से 14 कैंसर पैदा करने वाले वायरस होते हैं, यानी कि सभी वायरस कैंसर पैदा करने वाले नहीं होते, लेकिन इनमें से जो 14 कैंसर पैदा कर सकते हैं, जिन्हें हाई रिस्क HPV की जो श्रेणी में रखा गया, यानी कि जो हाई रिस्क मतलब बहुत ज्यादा रिस्क वाले होते हैं। इस वायरस के दो टाइप 70% सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल घावों का कारण बनते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपसे बात करूं कि जो सर्वाइकल कैंसर है फ्रेंड्स ये दो टाइप का होता है। वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो आता है इसमें स्क्वैमस सेल कैंसर और दूसरा आता है फ्रेंड्स एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स की सर्वाइकल कैंसर के कॉजेस क्या होते हैं, इसके कारण क्या हैं, किस किस कारण की वजह से हमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो कारण है इसका वो आता है HPV यानी ह्यूमन पैपिलो वायरस, जिसका जिक्र अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। ये एक सेक्स ट्रांसमिटेड वायरस है, यानी कि यौन संचारित वायरस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसके 100 से ज्यादा टाइप्स हैं और लगभग 14 टाइप सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। असुरक्षित यौन संबंध, HPV से इंफेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं उसको भी ये वायरस फैलने का खतरा रहता है और ये आपको प्रॉब्लम भी कर सकता है।
साथ ही जो फीमेल्स जो महिलाएं एक से ज्यादा पार्टनर के साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन बना चुकी हैं, या फ्रेंड्स जो कम उम्र में इस तरह के कुछ रिलेशन में रह चुकी हैं, तो उनमें भी सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर प्रेगनेंसी यानी गर्भ धारण करना। जो फीमेल्स तीन या तीन से ज्यादा बच्चे को जन्म दे चुकी हैं और उसके बाद भी वो प्लानिंग करती है, तो उनमें भी ये रिस्क होने का खतरा बढ़ जाता है। एक आता है फ्रेंड्स इसके अंदर पॉइंट्स की कुछ फीमेल्स जैसे कोई गर्भ निरोधक गोलियां अगर उसका सेवन कर रही है, तो भी फ्रेंड्स ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसके बढ़ने का आसार बन जाता है और कई बार इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लाइमेडिया है, ठीक है, इनसे इन्फेक्टेड हो चुकी फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। स्मोकिंग है, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर फ्रेंड्स कोई फीमेल्स अगर स्ट्रेस में रहती है, ठीक है, तब भी फ्रेंड्स ये सर्वाइकल कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सर्वाइकल कैंसर के जो स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं वो कई बार दिखाई नहीं देते हैं, कई बार हम पहचान नहीं पाते कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे ये गंभीर रूप में आने लग जाता है या थोड़ा बढ़ने लग जाता है तो इसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले है कि पैरों में सूजन होना, ठीक है, सेक्स के टाइम पर पेन महसूस होना यानी कि जो नॉर्मल से ज्यादा पेन महसूस होना, अनियमित पीरियड्स आना, एबनॉर्मल जो आपको पीरियड आता है उसके हिसाब से एबनॉर्मल रूप से पीरियड आना, ज्यादा ब्लड सेक्रेशन होना, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम्स महसूस करना, पेल्विक पेन जो पीरियड से जुड़ा हुआ नहीं होता, कई बार किडनी फेलियर में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या उसकी वजह से भी हो सकता है, कम वजन हो जाना यानी वेट घटना पेशेंट्स का, भूख में कमी, भूख नहीं लगना, बेवजह थकान महसूस होना, हड्डियों में दर्द होना। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि ये सभी सिम्टम्स किसी अदर डिजीज में भी हो सकते हैं, तो इससे बेटर है कि आप एक बार अपने अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको नजर आता है तो पहले अपने गायनोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद ही अगले स्टेप पर जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि इसके लिए कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए या सर्वाइकल कैंसर को जांचने के लिए कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे पहचाने। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज्यादा होने वाला जो टेस्ट है या सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट माना जाता है वो आता है पैप स्मेयर टेस्ट। पैप स्मेयर टेस्ट सबसे ज्यादा इसमें कराया जाता है और फ्रेंड्स ये जो टेस्ट है पैप स्मेयर ये बहुत ही आसान टेस्ट है, इसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता, बस इसके अंदर क्या होता है कि एक ब्रश होता है और वो आपकी वजाइना के अंदर डाल के सर्विक्स पार्ट से हल्का सा उसको टच करना होता है और वहीं से जो भी स्लाइवा उसके ऊपर लगता है वो ही उसका सैंपल होता है और उसी को टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि उसके अंदर कोई HPV जो ह्यूमन पैपिलो वायरस है वो कोई इन्फेक्ट वायरस प्रेजेंट तो नहीं है। इन केस अगर उसमें कुछ डाउट लगता है डॉक्टर को तो फिर इसके अगले टेस्ट होते हैं बायोप्सी भी करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी है, ठीक है, सिटी स्कैन वगैरह या इस तरह के फिर आगे टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।